नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना राजस्थान पुलिस का जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की है ये। इसमें जो मैंने टिक लगा रखे हैं वो बिल्कुल राइट हैं, आप उसके अकॉर्डिंग चले, मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था, ये जो सीरीज है, ये बी वाली सीरीज है, मॉर्निंग की में जो शिफ्ट हुई उसमें जो बी वाली सीरीज है उसके आंसर हैं, तो ये सेम आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग मिला लीजिए। तो पहला जो आंसर है उसमें बी होगा दो नंबर वाला, जो सेकंड है उसमें आंसर होगा चोर या दुष्ट, बी नंबर वाला आंसर है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें बी नंबर का आंसर है केवल निष्कर्ष दो का पालन होता है। चार नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सात, इसमें वर्ग सात है। पांचवें में जो संख्या पूछी है उसमें 385 आएगा, डी वाला राइट है। छः में आएगा सी, सी डी जीरो आठ, सी छः में सी राइट है, सी डी जीरो आठ। सातवां जो है उसमें 22, इसमें पी से तात्पर्य जोड़ है और गुणा से तात्पर्य गुणा है और डी से तात्पर्य भाग है और एम से तात्पर्य है, तो इसमें क्या होगा संख्या, तो इसमें 22 होगा। आठ में होगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसमें एन पी का भाई और एन आर का पुत्र है, उसमें होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, सी वाला आंसर। नौ में होगा दो वाला आंसर। दसवें में होगा क्यू, इसमें क्यू आएगा। ग्यारह में इसका आंसर होगा बी, ये वर बी वाला राइट है। बारह में होगा पिता, सी वाला राइट है। तेरह में ये दोनों सेम आंसर है, तो इसमें आप देख लेना एक किया वो भी राइट है, डी किया वो भी राइट है, क्योंकि दोनों सेम ही है। चौदह में डी राइट है। पंद्रह में आपके होगा सी वाला राइट है। पंद्रह में ए और दो दोनों धारणाओं का पालन होता है इसमें। सोलह में आएगा 93.1, ए वाला राइट है, जो मैंने लगा रखी है वो बिल्कुल राइट है। सत्रह में होगा ए और दो दोनों कथन एक साथ होंगे। सत्रह अठारह में आएगा सी वाला राइट है, ये वाला असंगत की पहचान करनी थी, इसमें सी वाला राइट है। 19 में ए वाला राइट है। 20 में 12 राइट है। 21 में आएगा 10वां राइट है। 22 में आएगा ए वाला राइट है, कौन सा विकल्प बाईं दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है, तो इसमें ए वाला राइट है। यदि किसी कोर्स कोड भाषा में कैलकुलेटर को ये लिखा जाता है तो इसका आंसर सी आएगा, एन जेड ई क्यू बी आर। 24 में आएगा इसमें 15। 25 में आएगा बी वाला, ये वाला जो राइट है बी वाला। 26 में आएगा बी, केवल कथन दो का पालन होता है। 27 में आएगा ए वाला। 46.9 28 में आएगा बी वाला, केवल मान्यता दो का पालन होता है। 29 में आएगा 10 की रूट 10। 30 में आएगा क्वेश्चन मार्क के आपके ये 31 से लेके 42 तक के नेक्स्ट जो लास्ट में है वो उसमें बताऊंगी मैं इसी वीडियो के अंदर। लास्ट में ये बीच में पेज छोड़ दिया था मैंने, तो मैंने उसको लास्ट में ले लिया है। 43 में 2014 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी, तो ब्राज़ील ने की थी। 44 में आएगा असामान्य रूप से निम्न गुरुत्वाकर्षण। 45 में आएगा मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल। 46 में आएगा मंगल। 47 में आएगा उत्तर प्रदेश। 48 में आएगा ICICI बैंक। 39 में आएगा 14 और 50 में आएगा विनेगर। 51 में आएगा श्रीनाथ स्वामी मंदिर। 52 में आएगा भारत। 53 में आएगा डिजाइनरी लिंडन। 54 में आएगा हीरा, ये हीरा बिल्कुल राइट है, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हीरा ही आएगा। 55 में आएगा सल्फर या गंधक। 56 में आएगा डी वाला समूह सही है, चार विलयनों ए बी सी डी और डी का पीएच का मान क्रमशः 2.4, 4.5 और 5.5 है, तो इसमें न्यूनतम कौन सा है, तो डी वाला है इसमें। 57 में आएगा अमीबा। 58 में आएगा एड्स। 59 में आएगा बोमन कैप्सूल। 60 में आएगा इस्पात। 61 में आएगा, ये वाले भी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था, ध्वनि की गति उच्चतम होगी तो इस्पात में होगी, इसके क्वेश्चन बी वाला राइट है इस्पात। इसमें आएगा राजा दिग्व बी वाला राइट है। 62 में आएगा जमुना लाल बजाज। 63 में आएगा विजय सिंह पथिक। 64 में आएगा संप सभा। 65 में आएगा रॉबर्ट होलैंड। 66 में आएगा थार का मरुस्थल। 67 में आएगा बरखान। 68 में आएगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली की पर्वतमाला का विस्तार है। 69 में आएगा अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में, ए वाला राइट है। 71 में आएगा वृक्षारोपण हरित राजस्थान। 72 में आएगा कृष्ण मृग है ताल छापर में। राजस्थान में सेवन घास से संबंधित है, ए वाला राइट है। 74 में 19वीं पशु गणना हुई थी 2012 में। 75 में स्थानांतरित कृषि वालरा राजस्थान, बी वाला राइट है। 76 में बी वाला राइट है चंबल।
भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं? तो राजस्थान को। जनगणना 2012 के अनुसार धौलपुर, इसमें ए वाला राइट है 79, 79 में डी वाला राइट है उदयपुर, 80 में सी वाला राइट है जयसमंद। निम्नलिखित में से राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है, तो जयसमंद नहीं है, सी वाला। 81 में आएगा मेष भेड़ प्रजनक। 82 में आएगा 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र। 83 में आएगा आगूचा। 84 में आएगा जैसलमेर। 85 में आएगा रसीम योजना। 86 में आएगा जागरूकता के लिए चल वाहन मोबाइल वैन की व्यवस्था करना। 87 में आएगा 2009। 88 में आएगा देवस्थान विभाग। 79 में आएगा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा पूर्व सैनिक सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां हैं? तो 17। 91 में आएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? तो 1994 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो आयोग में दो उपाध्यक्ष का प्रावधान, डी वाला। 94 में डी वाला है, राजस्थान किसी भी नगर पालिका के महापौर। 95 में पंचायती राज व्यवस्था। 96 में है सिरोही। 97 में आएगा भीलवाड़ा, हिरणी महादेव मंदिर स्थित है तो भीलवाड़ा में स्थित है। 98 में सलाम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है, डी वाला राइट है। 99 में आएगा कुंभलगढ़ उदयपुर वाला राइट है, डी वाला। और इसमें 100 में आएगा जदुला। 101 में आएगा सुरेलिया, एक आभूषण है जो कान में पहना जाता है। 102 में ये सूची है, तो इसमें डी वाला राइट है, पी सेकंड, क्यू थर्ड और आर फर्स्ट। 103 में आएगा गागरोन, संत पिपा जी का जन्म स्थान गागरोन है। बनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा को किया जाता है। राई और बुढ़िया कानमेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है, सी वाला इसका क्या है राइट आंसर है। इसको सूची को संबद्ध करना वाला था, तो इसमें बी आएगा। कबीर तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान दे था, इसमें आंसर डी है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है शामिल है, तो 1, 2, 3 ए वाला राइट है इसमें। 109 में आएगा गोविंद गुरु। 110 में आएगा अजय के रहाणे। 111 में आएगा दिलवाड़ा। 112 में आएगा आमेर दुर्ग। 113 में आएगा चरी नृत्य होता है। 114 में आएगा बाबर। 115 में आएगा नीलगिरी। 116 में आएगा 1303। 117 में आएगा विग्रहराज चतुर्थ। 118 में आएगा भील। 119 में आएगा विजय स्तंभ। 120 में आएगा नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। अब 31 वाला जो बच गए थे ना, वो 31 वाला इसमें आएगा। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो एम अपॉन एस स्क्वायर। जब प्रकाश एक माध्यम से तो अपवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत जनरेटर, जनित्र। गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी तो एलन ट्यूरिंग। पुरातत्व का पारंपरिक रूप तो इसमें आएगा 35वें में अफ्रीका। 36 में आएगा चार्ल्स बेबेज केएच एफआरएस। 37 में आएगा अशोक। 38 में आएगा सी 3500 BC। 39 में आएगा बेंगलुर। 40 में आएगा स्टॉकहोम स्वीडन। 41 में आएगा चार्ल्स डिकेंस। 42 में आएगा फील्ड हॉकी। यह आपकी जो मॉर्निंग में 10 से 12 जो शिफ्ट एग्जाम हुई है उनकी आंसर की है। मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपके जो सेकेंड शिफ्ट हुई है उसकी आंसर की डालूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।